आज हम फिर उपस्थित हैं एम्स हॉस्पिटल में, जो कि एक डेंगू केस था और पप्पू शर्मा मरीज का नाम है और उनके अटेंडर के रूप में संजय कुमार जी। संजय कुमार जी एयरफोर्स से हैं, लेकिन इनका मरीज से कोई खून का संबंध नहीं था। बस इतना संबंध था कि वो उनके गांव से है, जो भी मरीज इधर भर्ती है वो इनके गांव से। और आज हमको अच्छा लगा कि जो आर्मी के जवान, चाहे वो वायुसेना में हो या थल सेना में हो या जल सेना में हो, वो जवान केवल सीमा पर ही नहीं, सीमा के अंदर भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे जानकर हम जितनी इनकी प्रशंसा करें वो कम है। आजकल लोग अपने सभी रिश्तेदारों व अपने घर के लोगों के लिए भी आगे नहीं आते हैं, जहाँ तक कि बीमारी का समय। और आज बीमारी के समय में एक ऐसे पेशेंट के लिए सामने आके खड़े हुए जिनका इनसे कोई संबंध नहीं था, और मैं इनको देख रहा हूँ लगातार 3 दिन से परेशान है उस पेशेंट के लिए। इन्होंने हमसे संपर्क किया, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में नहीं मिल रहा था, जो प्लेटलेट्स के लिए आवश्यक था कि प्लेटलेट्स ए बी पॉजिटिव की ही चढ़ेगी। तो जब इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने भी इनको आश्वासन दिया 1-2 दिन में हम इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कराएंगे। और उसके बाद मैंने संपर्क साधा हमारे रेड आर्मी टीम के सक्रिय साथियों जय हिंद जय भारत आकाश जी से। तो आकाश शर्मा जी काफ़ी दिन से हमारी टीम के साथ सक्रिय हैं और जब भी हम इनको याद करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए तत्पर होकर हमेशा हॉस्पिटल में उपस्थित रहते हैं। तो आकाश शर्मा जी ने ए बी पॉजिटिव अपना आज प्लेटलेट डोनेशन किया, तो मैं आकाश शर्मा जी से कहूँगा कैसा लगा आज आपको डोनेशन करके? बहुत अच्छा रहा सर, हम तो चाहते हैं किसी की जान बच जाए, यही बहुत अच्छा है, कुछ नेक काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं और लोग भी आए, एक अवेयरनेस पहले लोगों के बीच में एक्चुअली होता है, क्या लोग डरते हैं, हम जैसे ही उनको ब्लड डोनेट करने के बारे में बोलते हैं ना वो एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे नहीं खौफ हो गया। तो आपको बताना चाहूँगा आप 3 महीने के बाद कभी भी डोनेट कर सकते हैं और प्लेटलेट्स आप हर 15 दिन में डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया तो आप शरीर को कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इसीलिए हम अवेयरनेस चाहते हैं कि लोग इसको देखें, जागरूक हों कि भाई दूसरे को लोग ब्लड के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, आप भी डोनेट कर सकते हैं, कोई भी डोनेट कर सकता है, एक भी कोई भी स्वस्थ आदमी हर 3 महीने में एक बार डोनेट कर सकता है। अब मैं संजय जी से कहूँगा, जो कि संजय जी अपने पेशेंट के लिए हमको हेल्प के लिए कॉल किए थे, तो आपको हमारी टीम के बारे में जानकर कैसा लगा और हमारी टीम के लिए आपकी क्या राय रहेगी? फर्स्ट आई विल थैंक्स टू यू, आई नेवर forget you, I will always remember in whole life this kind of help you have done me, I cannot forget in life and I will try to do the best and I will try to help you forever. तो मैं भी संजय जी से आज यही कहूँगा कि आप जैसे इंसान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और आपसे हमारा मिलना हुआ, हम चाहते हैं हमेशा आप और हम एक साथ मिलकर काम करते रहें, जिस तरह आपने अपने गाँव के मरीज के लिए हेल्थ के लिए आप आगे आए, तो आपको देख के कई और लोग भी ऐसा करने का विचार बनाए। और जरूरी नहीं कि किसी भी पेशेंट की मदद के लिए खून का रिश्ता जरूरी हो या हमारा कोई संबंध हो, लेकिन ये तो मानवता का संबंध है जो आज संजय जी निभा रहे हैं और मैं इनके लिए दिल से नमन करता हूँ। जय हिंद वंदे मातरम साथियों, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, ताकि हम अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हम प्रतिबद्ध हैं उसमें हम सफल हो सकें। जय हिंद वंदे मातरम।